स्लिप सबसे बड़े कॉल आइटर्स के जोन से आ चुका है और अब हम आप देखिए 763 का इंडेक्स 22680 पे निफ्टी बैंक भी अब आप स्कीम पे अड़तालीस अड़तालीस छो पॉइंट रिट्रेस हो चुका है अब ये रिट्रेसमेंट और पॉसिबल है देखिए अप्रोच कर हाँ बिल्कुल देखिए वीरू बहुत लोग पूछ त, ये सवाल पूछते हैं कि कौन से गैप अप चेज करना चाहिए कौन से गैप अप आपको अवॉइड करना चाहिए आप उन गैप अप्स को चेज करिए जिनमें या तो मैक्रो न्यूज़ हो या फिर ट्रेंड रिवर्सल हो ठीक है वो गैप अप्स हमेशा अवॉइड करें जिनमें आप ऑलरेडी एक स्ट्रांग ट्रेंड में हो और जहां पर विदाउट एनी मैक्रो ट्रिगर आपको गैप अप मिल रहा हो अप ट्रेंडिंग मार्केट में जो आज हुआ है इसके लिए और एक चीज़ मैं बताऊं आपको बड़ी ट्रेड बाय ऑन डिप्स की है जहां पर ये डिप खत्म होगी वहां पर बड़ी ट्रेड बाय की ही बनेगी डे लो के स्टॉप के साथ लेकिन वेट करना होगा आपको जहाँ पर वो डिप खत्म हो जाए तो एक बार के लिए वो शॉर्ट ट्रेड पूरी हुई वो व्यू इसलिए भी था क्योंकि आज एक लग रहा था कि एक एक इजी सॉर्ट ऑफ जैसे कहते हैं ट्रेड है एक बार के लिए अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए इंटरडे में लेकिन फोकस करें इंडिविजुअल स्टॉक्स पर निफ्टी में जहां पर भी ये बॉटम बनेगा दोबारा एक लॉन्ग ट्रेड बनेगी उसको भी हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो व्यू वही है कि बाय ऑन डेप्स अप को चेज मत करिए स्पेशली अगर आप इतने बड़े कॉल राइटर जोन के आसपास खोल रहे हैं वहां एक बार तो रिजेक्शन जरूर आएगा वो एक बार का रिजेक्शन आ गया दूसरी बार अगर गए वहां पर तो वो निकल जाएगा फिर उसके बाद ओके okay, तो इंडेक्स पे आपको हल्की सी एक पिक्चर मिल चुकी होगी एग्जैक्टली डिप आया डिप अच्छा डिप अरेस्ट एज ऑफ नाउ एक कैंडल जो सुबह से पहली ग्रीन बनी है वो है कल का जो लास्ट आधे घंटे का एवरेज प्राइस था उसका हाई क्लस्टर ओके स्क्रीन पर क्या है जो आज स्ट्रेंथ दिखा रहा है अनुज निफ्टी का एग्जैक्टली इनवर्स बिहेवियर है आज निफ्टी आई में क्योंकि okay, निफ्टी आई मेरे ख्याल से आज ये अपना हंड्रेड डे एक्सपोनेंशियल एक्सपोन स्ट्राइक करना हुआ बहुत नजदीक खड़े हैं हम अर्निंग सीजन के बिल्कुल इनवर्स रिलेशन रहा है इसका पिछले दस दिन में अगर आप निफ्टी से देखें तो ये क्या पॉइंट है देखिए आज सुबह एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी आई थिंक उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट है इन्फोसिस पर लेकिन एक व्यू ये भी बन रहा था कि अब जो है आई में कुछ हद का बॉटम बना है यहाँ पर जिस तरीके के पैटर्न रहे हैं काफी ओवरसोल्ड था आई लेकिन तीन चार दिन का जो पैटर्न है वो ये बता रहा है कि अनलेस ये कंपनियां कंप्लीट शॉकर डिलीवर कर दें बड़ा शॉकर डाउन साइड नहीं है यहाँ पर डाउन साइड प्रोटेक्टेड है रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पर और रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है मेरे ख्याल से लार्ज कैप आई टी में और मिड कैप आई टी में तो बहुत ज़बरदस्त फेवर में है क्योंकि मिड कैप आई टी में काफ़ी करेक्ट हो चुकी है उन कंपनियों पर फोकस करें जिन्होंने पिछले क्वार्टर अच्छे नंबर्स दिए थे और अच्छी गाइडेंस दी थी मेरे ख्याल से वो स्टॉक्स सबसे ज़्यादा चलेंगे गए ओके और आईटी वाकई चलता हुआ और याद रखिएगा आईटी ने निफ्टी आईटी ने स्कीम पर रखिएगा प्लीज एक बार चार अप्रैल को एक आ, मेरे ख्याल से 22 मार्च के बाद पहली बार एक अटैम्प्ट लिया था हंड्रेड डेमा क्रॉस करने का सक्सेस नहीं हो पाया था बट मैं इस स्टोरी को और इस डिस्कशन को इस वक्त इसलिए इनिशिएट कर रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली exactly आपकी स्कीम पर प्राइस है थ्री 35, ये इसका हंड्रेड डे

अब वो कहीं ना कहीं थमा है एक meaningful में जो gap था भी कुछ दिनों पहले, दिन पहले, दिन के आसपास, उसको फिल करने की कोशिश करेगा तो अगर लेना होगा में, तो I think एक बहुत ही हो सकता है। खरीदारी करिए फोर्टीन का स्टॉप लॉस लगाइए और फिफ्टीन के टारगेट सेट करिए इस समय तो एक व्यू आपका आईटी स्टॉक्स पर निफ्टी को देख के लग रहा है एक बार के लिए शायद वो डिप खत्म हुई हो क्योंकि निफ्टी आईटी ने चलना शुरू किया है वहाँ से एक थोड़ी सी हेल्प मिली एक बार रिलायंस का भी चार्ट देख लेते हैं क्या रिलायंस कुछ हेल्प करने की कोशिश कर रहा है वोल्टास वोल्टास में कल बड़े मूवस थे कल लेकिन टवर्ड्स मतलब हायर लेवल थोड़ा करेक्ट हुआ था स्टॉक अब थोड़े से मोमेंट आ है रहे हैं कॉनकौर हमारे बिग स्टॉक्स में था आज कॉनकॉर में अच्छे मूवस हैं अच्छा वो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के बाद अब ओवरऑल रियल्टी ने भी चलना शुरू किया ओवरऑल रियल्टी का एक बार जरा चार्ट लेकर आइए स्क्रीन पर ये देखिए ओवरऑल रियलिटी इस समय एक अच्छे मूवस दे रहा है पर, आ, शिवांगी आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पिक किया था ओवरऑल पर कोई व्यू आपका Uh, जी बिल्कुल यू नो अनुजी हम देख रहे हैं कि पूरे ही रियलिटी स्पेस में अच्छा एक्शन है ओबरा रियलिटी का uh, एक बहुत ही पॉजिटिव है कि फ़ाइव डेज uh, से कंसोलिडेशन कर रहा है और ये अपने लोअर जोन्स को काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे uh, ज़रूरी है कि ये रेंज को अब निकाले uh, यहाँ पे जो लेवल्स है uh, हायर जोन्स पे 1580 का एक बन रहा है तो uh, इसको ध्यान रखते हुए हम uh, इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं ओके okay, चलिए अब अमरीश बलीगा भी जुड़ गए हमारे साथ एक बार उनसे बात कर लेते हैं अमरीश गुड मॉर्निंग आईटी आईटी में अच्छे मूव्स आ रहे हैं इस समय आपका क्या व्यू होगा अर्निंग सीजन से पहले आईटी में मुझे लग रहा है कि मोलिस बॉटम आउट हो रहा है अभी क्योंकि वी हैव सीन अंडर परफॉर्मेंस लास्ट करीब 18 मंथ से अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं और मुझे लगता है कि जो अर्निंग्स है Uh, I think uh, from uh, Q2, Q1, but Q2, FI25, I think we should see, clearly see uptick. Or uh, if, if 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 that's happening, then uh, I think uh, clearly this is the bottom. So, I think over the next uh, possibly one or two quarters, we should take it for long term. Because I think IT, if you're talking of the next uh, three years, se kaafi, uh, uh, ka level de sakte in fact, a uh, stock like Infosys, I uh, will not be surprised.

पंद्रह 1550 पचास पे अपने टेन डी में लैंग्वेज को पार करता हुआ आ, राजेश पालवी जी आ, यहां पुल को कैसे खेलें कोई कॉल ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स पे आपका टेक डी हाइपर आके ट्रीट करता हुआ दस रुपए ऊपर तो बिल्कुल वीरेन्द्र जी देखिए करेक्ट करेक्शन के बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट पिछले सात आठ दिनों में एक बेस बनाया है पंद्रह सो बीस पच्चीस की रेंज में और अब यहाँ से जो पुल बैक बना है इस पुल बैक में अगर ये स्टॉक पंद्रह सो पचपन का लेवल स्पॉट पे क्रॉस करने में कामयाब होता है तो हमें लगता है यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे बिल्कुल आते हुए दिखेगा ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके बुलिश ही है एक करेक्शन में यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से भी हमें लगता है कि एक अच्छे अप्रोप्रिएट प्राइस पे यहाँ पे अवेलेबल है स्टॉक 1530 के स्टॉप लॉस से बाई किया जा सकता है फ्यूचर्स में और अपसाइड में हमें लगता है यहाँ पे जो टारगेट होते हुए दिख सकते हैं वो से लेके, की तरफ ये स्टॉक बढ़ते तिरपन हो गया बात करते करते स्ट्रॉन्ग इस, इस, इस अगर आज के प्राइस मूव को देखें जब हम हंड्रेड को पार कर रहे हैं इस, आज आई टी पे बात भी जब हम इस सीरीज में आ रहे थे अप्रैल में तो इसमें कोई तो राय नहीं है कि आई I मीन mean, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक इंसिडेंट्स हुए थे मिड कैप में फॉर इंस्टेंस वाला बट बड़ी शॉर्ट कैरी करके आया था लार्ज कैप आई तो क्या है ये पुल बैक और क्योंकि अर्निंग सीजन का श्री गणेश भी लार्ज कैप आई करता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुल बैक लार्ज कैप आई में होगा क्या धारणा है देखिए आज लार्ज कैप आईटी में आज एक व्यू एक जो पॉजिटिविटी है उसका एक कारण सुबह एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी आ, वो भी था आ, बोफा ने यहाँ पर इन्फोसिस को अपग्रेड किया है और 1785 का आ, प्राइस टारगेट दिया है आ, 24 परसेंट रिटर्न पोटेंशियल और यहाँ पर काफ़ी एक अंडर परफॉर्मेंस रही 40 परसेंट की करीब अंडर परफॉर्मेंस रही है 2022 से उसके शायद रिवर्सल के साइन है इसकी वजह से लेकिन इसमें एक चीज़ आप समझ लीजिए ब्यूरो मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ कि लार्ज कैप आई में एक बार नंबर्स आ जाएं कमेंट्री सुन लें आप मैनेजमेंट की उसके बाद भी लीजिए भले ही महंगा मिल जाए लेकिन एक क्लैरिटी आ जाएगी उस क्लैरिटी के साथ काम करेंगे तो बेटर रहेगा अभी के लिए मार्केट कुछ प्रियम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर इन्फोसिस में बड़ी गिरावट आ चुकी थी उसके बाद लेकिन हाँ अगर लार्ज कैप में दो तीन अगर अच्छे नंबर आ गए तो उनमें चलने का गुंजाइश ज़्यादा है क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मिड कैप में तो खैर हमेशा से जिसे कहते हैं ना कुछ चलेंगे कुछ गिरेंगे वो इंडिविजुअल स्टॉक्स का एक अपना अलग व्यू रहता है लेकिन लार्ज कैप में स्पेस ज्यादा है अगर नंबर्स अच्छे आ गए किसी के भी अगर कमेंट्री अच्छी आ गई तो बहुत ज्यादा चलने की गुंजाइश है ओके okay, तो ये था एक लार्ज कैप आई टी पेशेंस लेकिन याद रखिए जो ना कही यहाँ पे कि ज्यादा क्लियरिटी ऑफ थॉट्स तब होगी जब एक बार अर्निंग्स आ जाएंगी रुपया दो रुपया महंगा बट क्लियर थाट्स के साथ मीन वाइल राजेशलोजी ने जो ट्रेड दिया और

और इस मूव को प्ले करें अगर आपको ऑप्शंस में काम करना है तो वीरेंद्र जी मुझे लगता है बारह यानी एटीएम कॉल ऑप्शन करीबन फोर्टी के आसपास है इसे बाय करें आपका स्टॉप लॉस होगा करीबन थर्टी सेवन का और जो स्विंग का टारगेट है वो रहेगा फिफ्टी सिक्स का ओके टेक महिंद्रा पर आपका ये सेंस है और टेक महिंद्रा के बाद जरा मैं एक बार लेके आऊंगा नौकरी को और इन्फ्लुएज को लेके आइएगा Uh, मेरी जो अभी ऑप्शन है उसमें ना कल कॉल थी आपकी इस पे तिरसठ सौ नौ पे डी आई पे ट्रीट कर रहा है अभी व्यू क्या है बिल्कुल सही कह रहे हैं अब कल मैंने रिकमेंडेशन दिया था तो बासठ सौ तो पचास सिक्स के टारगेट किए थे करीब दो सौ रुपए का देखने को मिला है लेकिन अभी भी

देखिए डिप जो भी थी वो इंट्राडे में होती है उसके बाद मार्केट का लार्जर ट्रेंड और लार्जर टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का वो प्ले आउट होता हुआ आ, लेकिन आज मिड कैप आई टी परसिस्टेंट बिरला सॉफ्ट एम्पेसिस औरकल कोफोज इन सब में अच्छे मूव्स अच्छे मूव्स इवन लार्ज कैप आई टी में आज का सेक्टर ऑफ द मॉर्निंग क्लियरली आई टी है चलिए सीक्वेंस बता हैं आपको फिर चार का चौका का आ, और सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड हम लेंगे शिवांगी से उसके बाद पालविया जिसे सुपरस्टार का चमत्कार अम्बरीश से हम लेंगे अमरीश गोदरेज प्रॉपर्टीज क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर देखिए नॉट जस्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट ओवरऑल पॉजिटिव है क्योंकि जिस हिसाब से नंबर्स आ रहे हैं जिस हिसाब सेल्स हो रहे प्रॉपर्टीज के आई थिंक इट्सली गुड क्योंकि जो अभी उन लोग सेल कर रहे हैं इसका जो रेवेन्यू आएगा रियालिटी स्टॉक्स तो, तो यहाँ पे आई मीन माई पिकली वुड बी गुडरेज प्रॉपर्टीज एज वेल एज ओबर इन दाइटी लार्जर कैप और जो मिड कैप है स्मॉल स्टॉक अरियन सुपर स्ट्रक्चर विच इज ए नवी मुंबई Uh, उनका भी काफी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं तो आई थिंक एंड एंड वी हैव सीन अ गुड मूव आल्सो बट स्टिल देयर इज डिसेंट अपसाइड सो आई थिंक दीस आर थ्री स्टॉक्स व्हिच आई विल रेकमेंड ओके तो यहां पे यहां हमरी शिक की फंडामेंटल कॉल है और आज सुबह जब कुछ स्टॉक्स का जिक्र हो रहा था उस वक्त केमिकल्स पे हमारी बात हुई थी और केमिकल में एक बॉटमिक आउट प्रोसेस पूरी हो चुकी है यह अनुज की एडिटर्स टेक में एक टिप्पणी भी थी लुक लुक एट दीपक नाइट्राइट एक बार दीपक नाइट्राइट को रखिएगा स्क्रीन पे और uh, मेरे uh, स्क्रीन पे बार बार अपियर होता हुआ यस इट्स टू 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 फोर शिवांगी जरा इस पर एक अपना सेंस दीजिएगा टाटा केमिकल्स एट डे हाई मेरे ख्याल से अभी तक मेरे स्क्रीन टिक आ रहे हैं उसमें और ये आज थर्ड कंजिव सेशन है जब अपने सारे क्लस्टर ऑफ मूवी अवेज के ऊपर ट्वीट करता हुआ आप इन दोनों में से क्या चूज करना पसंद करेंगे uh, जी बिल्कुल यू नो दोनों स्टॉक की अगर हम कंपैरिजन करें यहां पे तो डेफिनेटली uh, uh, जो है टाटा कैम ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि लॉन्गर टाइम फ्रेम जो चार्ज स्ट्रक्चर है इसका वो ज़्यादा स्टेबल है यहाँ पे कंसिस्टेंटली चार हफ्तों से हम देख रहे हैं कि हायर लोज बन रहे हैं स्टॉक में एंड यू नो एक uh, कंसोलिडेशन से निकलते हुए नज़र आ रहा है ये जो स्क्वीज़ हमने देखा है यू uh, नो you know, पिछले आठ दिनों का उसको उस रेंज के हाई को ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है अब ये स्टॉक तो यहाँ पे यू नो यहाँ पे सस्टेन करते ही एक अच्छा मोमेंटम जो है 1200 तक के लिए बनते हुए दिखेगा तो यहाँ पे टाटा कैम इज़ मोर फेवरेबल दैन दीपक नाइट राइट